मस्तिष्क पर असर डालने वाले वाइट फंगस के कई लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं। यही कारण है कि कोरोना के दौर में ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है और अगर बीमारी की पहचान ना हो सके तो बहुत ज्यादा। कोरोना महामारी के बीच फंगल संक्रमण का कहर भी जारी है। कई राज्यों में एक के बाद एक ब्लैक फंगस इसके ढेरों मरीजों के आने के बाद केंद्र सरकार ने प्रभावित किया राज्यों से इसे महामारी घोषित करने को कहा। इस इन्फेक्शन के खात्मे की शुरुआत भी नहीं हो सकी थी कि एकाएक वाइट फंगस के मरीज भी आने लगे। विशेषज्ञों के मुताबिक ये नया संक्रमण ब्लैक फंगस से अधिक ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये केवल एक अंग नहीं बल्कि फेफड़ों और ब्रेन से लेकर हर अंग पर असर करता है। बता दें कि चिकित्सकीय भाषा में इसे कैंडिडा कहते हैं, जो रक्त के जरिए होते हुए शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। ये नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट और मुंह के साथ फेफड़ों को संक्रमित कर इन सब को संक्रमित कर सकता है। हालांकि इस फंगस से प्रभावित जो मरीज आ रहे हैं उनके साथ जरूरी नहीं है कि वो कोविड से संक्रमित हो। हालांकि लंग्स पर असर होने के कारण उनके लक्षण कोरोना से लगभग मिलते जुलते होते हैं, जैसे सांस फूलना या कई बार सीने में दर्द। बता दें संक्रमण अगर शरीर के जॉइंट्स पर असर करे तो उनमें दर्द होने लगता है, ब्रेन तक पहुंचा तो सोचने विचारने की क्षमता पर असर दिखता है, मरीज जल्दी फैसला नहीं ले पाता और बोलने में भी दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा सिर में तेज दर्द के साथ उल्टियां हो सकती है, स्किन में रक्त के जरिए फैलने पर छोटे छोटे फोड़े हो सकते हैं जो आमतौर पर दर्द रहित होते हैं। ये संक्रमण का शुरुआती लक्षण है। चलिए अब बताते हैं कि खतरा कब बढ़ जाता है। फेफड़ों पर असर होने पर कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर कई बार लोग बगैर जांच के खुद को कोरोना संक्रमित मान लेते हैं और घर पर ही दवाएं करने लगते हैं। इससे हालात बिगड़ जाते हैं। संक्रमण शरीर के मुख्य अंगों को अपनी चपेट में ले लेता है और मरीज की ऑर्गन फेल होने से मौत भी हो सकती है। बताते हैं आखिर इतना खतरनाक फंगल इन्फेक्शन आखिर होता क्यों है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें ये संक्रमण हो सकता है अगर वो संक्रमित वनस्पतियों या फिर दूषित पानी के संपर्क में आए। इसके अलावा कोविड संक्रमित गंभीर मरीज जिन्हें ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही है उन्हें भी संक्रमण हो सकता है अगर नाक या मुंह पर लगे उपकरण फंगल युक्त हो। इसके अलावा उन लोगों में इसका खतरा ज्यादा रहता है जो डायबिटीज के मरीज हैं या फिर लंबे समय तक स्टेरॉयड ले रहे हैं। और इसी के साथ आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर। धन्यवाद।